आजादी दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका अहम रही, जिसमें आजादी में बिहार के महाराजगंज का भी योगदान रहा, जिस कारण महाराजगंज को शहीदों की धरती भी कहते हैं। वहीं आज देश 75वें वर्ष में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर भी शहीदों की धरती महाराजगंज में शहीदों के स्मारक आज अपेक्षा का शिकार हो चुका है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिलाने में महाराजगंज से लगभग 30 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर करके शहीद हो गए। महाराजगंज शहर के बीच में शहीद फूलना प्रसाद का स्मारक आज भी स्वतंत्रता संग्राम की याद को ताजा कर देता है, लेकिन आज वही स्मारक पार्क उपेक्षा के साथ भयंकर अतिक्रमण का शिकार हो गया, क्योंकि स्मारक परिसर में गंदगी का अंबार भी हमेशा लगा रहता है और सरकारी उपेक्षा के कारण स्मारक में भारत माता की मूर्ति भी खंडित हो चुकी है, बावजूद आज तक बनाया नहीं गया। जब जब स्वतंत्रता दिवस आता है तो प्रशासनिक तौर पर सफाई करके कोरम पूरा कर दिया जाता है, उसके बाद जनप्रतिनिधि और प्रशासन शहीदों के इस यादगार स्मारक को भूल जाते हैं। शहीद स्मारक को लेकर स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने SDO संजय कुमार से मामले में जांच कर पुनर्निर्माण स्मारक के जीर्णोद्धार की बात कही। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन व कार्यपालक पदाधिकारी भी उपस्थित थे। अब देखना यह है कि सांसद के बातों को प्रशासन कब तक अमली जामा पहनाती है। सिवान से राजेश कुमार की रिपोर्ट। हमारे शहीदों के जहाँ जहाँ स्मारक बने और वह किसी न किसी तरीका से अगर आम जन के लायक भी नहीं, किसी न किसी तरीका से वह उन्हें अवस्तक्त है, अगर वहाँ गंदगी से लेकर कचरे हैं तो उसको पूर्ण रूप में सफाई करना, उसको पूर्ण अपने असली स्वरूप में लाना, जिससे कि प्रतिदिन उनके प्रति श्रद्धा के भाव जिस एरिया में है वहाँ के लोग श्रद्धा के भाव अर्पित करने का काम कर सकें। हम महापुरुषों को इसलिए याद करते हैं कि महापुरुषों ने हमें आज़ादी दिलाई। हम शहीदों को इसलिए याद नमन करते हैं कि हमें उस गुलामी के जंजीर से हमें मुक्ति दिलाने का काम उन शहीदों ने अपने जान की परवाह किए बिना करने का काम किया। उन शहीदों को तो मैं सैल्यूट करता हूँ पहले, और आज उनके नाम पर जो स्मारक बने हैं, जैसे फुलेना बाबू के नाम पर बने, उस तमाम चीज़ों को ठीक किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी भी निर्देशित हैं, उनको पहले से भी जानकारी है, यहाँ के पालक पदाधिकारी हैं, यहाँ के PDOs हैं, ऐसे मिलकर के आवश्यकता पड़ेगी तो जिलाधिकारी हैं उसके ऊपर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं सरकार के लेवल पर बात करके और इन लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत अगर हो रही है तो उसको पूरा करने के लिए मैं व्यक्तिगत भी एक एक कदम इन लोगों के साथ रहा हूँ। उम्मीद किया जाए कि उसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा निश्चित रूप से उसमें, जहाँ जहाँ ऐसे आज अभी मैंने कहा कि जितने महापुरुषों के आज अभी यहाँ मूर्ति लगे हैं उनको सफाई करवाइए, ठीक ठाक कराइए, रंग रोगन उसका पॉलिश करवाइए, और जहाँ जहाँ कुछ अगर उसमें अगर कुछ कमियाँ है तो उसको पूरा करने का काम कराइए, और फिर उसमें नीचे मार्क करके लिखाइए कि आज़ादी के 75वें वर्ष पर आपको नमन, आपको सैल्यूट, जो एक लोगो बना है आज़ादी के 75वें वर्ष का मार्का एक हो जाए। सबसे बड़ी बात है उस कैंपस में भारत माता की मूर्ति है जो एकदम जीर्ण शीर्ण स्थिति में, आप उसको देखेंगे उसमें और क्या किया जा सकता है, आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे बात होगी और आवश्यकता पड़ेगी DM लेवल से बात कर उसको ठीक कराया जाएगा। वैसे हो सकता है अभी तत्काल, या फिर उसको हटा करके रिप्लेस कर दूसरा लाना पड़ सकता है। अगर वो खंडित है तो खंडित रहना भी नहीं चाहिए, नगर वासियों के राय से, नगर वासियों का राय होगा सहमति लेकर के उस मूर्ति को हटा करके वहाँ दूसरी नई मूर्ति की व्यवस्था बनाई जाए। खंडित मूर्ति तो मैंने हमें लगता है कि सही नहीं है। महाराजगंज में पावर ग्रिड बनने की बात हुई थी, वो कब तक होगा? क्योंकि गर्मी से लोगों को लगातार पावर कट मिल रहा है, ये कब तक हो सके? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।